Sado, eh, man.
हो न जाई। कठिन क्रोध कठिन क्रोध घट ही के भीतर कठिन क्रोध घट ही के भीतर जय सुध सब जय शुद्ध सब बिसराई एह मन गयो ना जाई सहगो सहगो एह मन गयो ना जाई सहगो एह मन गयो रतन ज्ञान सबको घिर लींदा रतन ज्ञान सबको घिर कछ न बसाई कछ न बसाई रतन ज्ञान सबको घेर लिया तास्य कछु न बसाई तास्य कछु न बसाई साधो एह मन गयो न जाई साधो एह मन गयो न जाई साधो जोगी जतन करत सब हारे जोगी जतन करत सब हारे
उनिघाई। जन नानक हर पै आला जन नानक तक
ना बसाई। जो की जतन करत सब हारे, मनुख दी जिंदगी दी सब तो वड्डी जरूरत ही सब तो वड्डी प्रॉब्लम बन गई। ये ते असी आम जीवन विच समझने आ कि जरूरत ही प्रॉब्लम होंदी है। मनुख बद जांदा है जरूरत पिछे, सारियां जीवन दियां दौड़ा जरूरत पूरी करन लई हुंदियां ने, ते जिन्नी जरूरत अहम होवे ओना ही मनुख उसनू पूरा करन लई संघर्ष विच पै जांदा है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दा अज वाला शब्द इसे एक कहानी का संग्रह है। कहते ने मनुख जेड़ा है इनू निरंकार ने बड़िया चीजा दित्तियां, तन दिता, ताने विच जीव दिता, रिश्तेदार संबंधी दिते ताकि बुढ़ेपे विच काम आ सकन, इन्दे पहनन लई बस्तर, इन्दे खान लई भोजन तरह तरह दा, इन्दी खुशी लई फुलवाड़ियां, बहुत कुछ दिता। पर इन्ना सारियां चीजां बिना मनुख दा गुजारा हो सकदा सी। इसलिए सारी दुनिया फुलवाड़ियां नहीं मनदी, सारी दुनिया कोई चंगे कपड़े नहीं पहनदी, सारा संसार कोई चंगा कीमती भोजन नहीं छकदा मन पाउंदा। पर एक चीज ओ दे दित्ती जिंदे बिना दुनिया दे किसे मनुख दा गुजारा ही कोई नहीं, ऐसी जरूरत। कहन लगे ओ चीज सी मन। मन इनू दे दिता, हुण सारी जिंदगी ये बाकी चीजां नालों मन दा साथ ज्यादा इनू जरूरत है। जरूरत है, बाकी चीजां बिना कुछ गुजारा हो सकता है, मन बिना नहीं। गुरु ने भी बाणी अंदर एक गल आख दित्ती, मम्मा मन स्यो काज है। मनुख दा हर काज हर काम मन दे मुताज है। मन ना साथ देवे, मन ना लगे, पढ़ाई नहीं हो सकती, कोई डिग्री नहीं कीती जा सकती। स्कूल भी जाए, दाखला भी ले ले, हाजरी भी होवे, पढ़न दा समान भी होवे, पर फिर भी लोग फेल हो जांदे ने बच्चे। जेड़े फेल हो जाते उन्होंने बारे को इन्हें मन ला के पढ़िया नहीं है। सब समान कोल है, स्कूल भी है, उस्ताद भी सियाना है, पर इन्हें मन ला के पढ़िया नहीं। मन की अणहोंद फेल हो गया।
कोई दुनिया की बिजनेस उनके विच कामयाबी लई सफलता लई मन की लोड़ है। जे मन ला के बिजनेस ना करे व्यापार विच फेल हो जाएगा। इथों तक कि जे तू भगती दे राह ते तुरे दिन रात माला फेरे पर गुरु ने एक आवाज दे दी, इत्थे भी मन की लोड़ है। गुरु ने एक आवाज दी कहन लगे राम राम सब को कहे कहे राम ना होए जी किवें हुंदा है गुरु प्रसादी राम मन वसै। इत्थे भी मन की लोड़ है। मन अपने अंदर थां दे, मन उस राम नूं जीव आया आखे तां ही फल मिलदा भगती दा। किसे काम विच मम्मा मन स्यों काज है, मन बिना कोई काज भी नहीं। इसलिए मन दे साथ दी लोड़ है। इत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह कहिंदे ने बड़ी मुश्किल ये बन गई कि मन दौड़ रहा है, मेरी इन्नी वड्डी दौड़ नहीं, मैं उन्हें फड़ सकां, मेरे काबू विच नहीं, उन्दे बिना मेरा सरदा भी नहीं। मम्मा मन स्यों कहा जाए, मन साधे सिद्ध होए। जिन्ना देर मन की साधना ने कोई सिद्ध नहीं होंगी। अगली लाइन च कहन लगे मन ही मन स्यों कह कबीरा मनसा मिलिया न कोई, मन वर्गी कोई कीमती चीज नहीं। बड़ी ईवन इथों तक मैं हैरान होया, गुरबाणी विच लफज आ गया रब नूं भी खरीदना होवे धन नाल नहीं खरीदिया जा सकता। मन केड़ा कीमती है, रब नूं खरीदना होवे सोने नाल नहीं खरीदिया जा सकता, धन नाल नहीं खरीदिया जा सकता। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल नहीं मिलता। पर कहन लगे मन दे बदले विच मिल जाता है, केड़ा कीमती है। फैसले बाणी दे ने, आपां हर गल दा जवाब बाणी कोलों मंगना है। गुरु आख रहे कहन लगे कंचन सो पाइए नहीं तोल, मन दे आराम लिया है मोल। है बड़ा कीमती है, रब नूं भी खरीदिया जा सकता, मन नाल धन नाल नहीं खरीदिया जा सकता। हुण एडा कीमती साथी होवे रब दिता, रब ने प्रभु नहीं दिता होवे, ये नहीं भी कि मैं मन आपे बनाया है, प्रभु ने दिता होवे ते एना कीमती साथी होवे। पर मेरी प्रॉब्लम इको है, उनकी स्पीड बड़ी तेज है, मैं उन्दे बराबर दौड़ नहीं सकता, साथ किवें निभे। आखिर साथ भी तो ध्यान नहीं पता, दोवां दी स्पीड इको जी होवे, साथ निभ नहीं सकता। गुरु कहिंदे जीड़ा उब जड़त है, कब हो जाए प्याल लोपी जीड़ा के ना रहत है, वो टिकता ही नहीं। लोपी जीड़ा के ना रहत है, चौले कुंडा बाले एह मन चंचल, एह मन चंचल बस ना आवे, एह मन चंचल बस ना आवे, दुबदा लागे बो बिदधावे। मन चंचल
मन चंचल तावत फुन धावे दौड़ रहा है और दौड़ रहा है। कई बार ये गल नहीं भी सफल ही होंगे दौड़ विच, ऐसा भी होंगे ठेडे भी खाता है, क्योंकि जिन्हें दौड़ना है ते तेज दौड़ना है उन्हें ठेडे खाने ने। आप कह दें मन बड़ा दुखी है, दुखी क्यों है, अपनी मर्जी नाल दौड़ रहे पर कोई ना कोई ठेडा बज गया। गुरु ने बाड़ी बिच आखे कहन लगे मन चंचल मन चंचल तावत फुन धावे मन चंचल मन चंचल बहुत चोटा खावे ठेडे भी खांदे पर दौड़ना नहीं छड़दा, दौड़ना नहीं छड़दा। इनका सुभाव दौड़ है, इन्ना तेज दौड़ता है कि उत्थे मनुख कोई संसार दा रॉकेट कोई संसार दा हवाई जहाज इन्नी तेजी नाल नहीं दौड़ सके पहुँच सकता जिथे ये पलों विच पहुँच जाता है दौड़ता है। गुरु ने बाणी विच आखिया कहन लगे कवन कवन नहीं पत्रिया तुम्हारी प्रतीत महामोहनी मोहया नरक की रीत मन खुट हर मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास तू महा उद्माता। अगले पास एक एग्जाम्पल देंगे कहते ने तेरा सुभाग खोते वर्ग है खर वर्ग ते जिन्होंने खोते लदने होंगे ने उन्हां दी एग्जाम्पल देंगे ने पहला वो पैरों में पैखर पा लेंगे क्योंकि टेक टे नहीं ना खड़ोता उन्हें लदना भी औखा हो जाता है। पहला उनके पैरों में लत्तों में पैखर पाते हैं ताकि ये दौड़ ना आ खेल ना सके तो जो लद लेंगे ने फिर खोलते हैं। गुरबाणी ने आखिया कहते मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास तू महा उद्माता खर का पैखर तो छुटे खर कहने खोते उनका पैखर ता खोलिया जाता है खर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा एह मन गयो ना जाई जो कूकर हर काया जिमें एक एग्जाम्पल नहीं मन की हालत वेख के आखद ने ज्यो कूकर हर काया तावे दे दिस जाए जिमें कूकर कुत्ता जो हलक जाए ना उदो फिर एक थान टेक नहीं सकता टिकता नहीं। कहते ने यो हालत इस मन की है। मैं कोशिश करना कि मन पकड़िया जाए किमें पकड़िया जाए गुरु ने बाणी अंदर हर एक चीज नू बड़े खूबसूरत ढंग नाल समझाया है। सिद्धां दे नाल जदों सिद्ध गोष्ट होई है उदों सिद्धां ने भी गुरु नानक ते सवाल कीता है क्योंकि इस
गुरु तेग बहादुर साहब जी के शब्द अंदर एक तुक अखीर ते आई, जोगी जतन करत सब हारे। उन्होंने समझिया भी तृष्णा जड़ी है, लोड़ा जड़ियां ने वह मन में भड़काउंदियां ने, ते घर बार छड़ दिओ, जंगलों में चले जाओ। जदों परिवार दियां जिम्मेवारियां नहीं होणगियां, लोड़ां नहीं होणगियां, ते मन में भटकना भी खत्म हो जाएगी। वो आप वालों कोशिश उन्होंने ये की, पर गुरु तेग बहादुर पातशाह कहन लगे, जोगी जदन करत सब हारे। मन उत्थे भी भटक रहा सी, जोगी जतन करत सब हारे, गुणी रहे गुण गाई, चंगे चंगे विद्वान रब दे गुण गाउन वाले, ओ भी इस मन नू अपने कंट्रोल विच ना कर सके, ना कर सके। हुण जोगियां ने सिद्धां ने गुरु नानक ते भी सवाल कीता, ते गुरु नानक ने जवाब दिता। ओ सवाल जवाब जिहड़ा मन दे संबंध विच कीता, ओनू सतगुरु ने बाणी विच सिद्ध गोष्ठ दे रूप विच दिता। कहन लगे सवाल सी, कौन सो अखर जित धावत रहता। तौना कहने दौड़ना, रहता दौड़ खत्म हो जानी, रह जानी। कह लगे बाबा, कोई तरीका, कोई ऐसा अखर, कोई ऐसा लफज सानू दस, जिंदे जपिया, जिंदे नाल जुड़िया मन दा तवना खत्म हो जाए, तवना रह जाए। सिद्ध कहंदे, कवन सो अखर जित धावत रहता, कवन सो अखर जित धावत रहता, कौन उपदेश दुख सुख सम सहता। मैनू कोई ए जा उपदेश दस जिंदे नाल दुख ते सुख बराबर दिसन लग पैन। दौड़ तो इसे चीज दी है ना, भी किस तरह दुख खत्म होवे ते सुख पालां। मनुख दिन रात सुख ही तो पालता है, चाहता सुख है, जिन्नी दौड़ है सुखां लई है। जे देशों विदेश आउंदा है, जे किसे होर थां बिजनेस वास्ते व्यापार वास्ते जांदा है, जे रात दी नींद त्यागदा है, सुख सुख आराम घर बार परिवार त्यागदा है, ते उंदे पिछे ये होंदे, चलो आ औखे समां कढ लवां फिर सुखी रहवां। पर कहंदे ने सिद्धां ने सवाल कीता, ते जे दुख ते सुख हुंदे वास्ते बराबर ही हो जाए, ते आपे भटकना खत्म हो जाए। मैनू कोई इहो जिहा उपदेश दसो हे नानक, जिंदे नाल जिस उपदेश नाल दुख ते सुख बराबर हो जाए। पर हुण हिरदे विच सारे झाक मारियो, भला दुख ते सुख असीं बराबर कर सकने? साडा तां कम है, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। असीं दुख सुख बराबर कर नहीं सकते। ते सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने, कहिंदे ने कौन सो अखर जित धावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विध कीर्तन गाए जियो। अगले पासे अगे जाके फिर गुरु नानक दा जवाब भी कहन लगे, गुरमुख अखर जित धावत रहता। आ गुरु वाला बन, गुरु नाल जुड़, गुरु शब्द तेरी जिंदगी दा सहारा हो जाए, फिर मन दी भटकना गुरु दे सहारे खत्म हो सकती है। आने वाले समय अंदर आपां इस प्रकरण नूं फिर लेना है। इत्थे लफज ने, गुरमुख अखर जित धावत रहता,
गुरमुख उपदेश जित दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो। तेरा हर काम जड़ा है गुरु नाल संबंधित हो गया। मन कोलो पुछ के नहीं, गुरु कोलो पुछ के। कल सवेर का भी प्रकरण वाले दिन मिलेगा, क्योंकि आप मूल मंत्र विचों कल सवेरे दीवान विच गुरप्रसाद ते पहुंचना है। भी गुरप्रसाद की है, इत भी लफज ने गुरमुख ही है जड़ा गुरु ते निर्भर है। गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जी। सारा फैसला दिता जी, फिर किवें करा? मन बस आ नहीं रहा। इत भी आखिरी एक लफज ने, जन नानक हर पै दयाला, तो सब बिद बन आई। जड़िया जे जतन करते हुए जोगी भी हार गए ते मन वस विच नहीं आ सकिया, मन नू पकड़िया नहीं जा सकता, उंदी तरकी उंदी तेज दौड़ है, तो फिर की करा? कहन लगे जे प्रभु रहमत करे ते फिर सारियां विधा बन जांदियां ने, इनू फड़न दियां सारियां विधा बन जांदियां। जन नानक हर पै दयाला, तो सब बिद बन आई। हुण वेखना है कि वह बिद कि है। गुरबाणी का एक शब्द है, वह इस सारी बिद का जिक्र करता है। गुरु कहते हैं, दे मोहार लगाम पैरावो है, घोड़ा हो एड़ियल ते तेज स्पीड नाल दौड़न वाला हो। एक होर ख्याल करियो, रब ने सानू मन दिता क्यों है? एना तेज स्पीड वाला चंचल मन सानू क्यों दिता? जे इंदी परेशानी है, इन्दे पिछे ही सारी जिंदगी मैं हर काज विच उलझन विच फसिया रहना, तो आखिर मन दिता ही क्यों? हुण इत्थे देखना है, रब ने प्रभु ने मन तैनू इसलिए नहीं सी दिता कि तू दुनिया दे काजां विच इस मन नू अपना साथी बना लै, बल्कि इसलिए दिता सी मैं तेनू दूर भेज रहा। लै, मैं तेनू अपने तो बहुत दूर भेज रहा। संसार ते निरंकार की दूरी की है? लफज आप क्यों आख रोज पढ़ने हैं? रूपहीन बुद्ध बलहीन, अगली लफज मोहे परदेसन दूर ते आई। मैं परदेस आया, परदेस आया, एते कुकर हो बेगाना भौंका इस तन ताई। परदेस आया ते परदेस भी उस परदेस विच आया जिथे मेरा कोई नहीं। मन परदेसी जे थी ये सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी? दुखी पर आया, दुखी पर आया, जगत सब आया, कौन जाने बिद मेरी आ? आमने जामने खरे डरावने तोट ना आवे फेरिया। मैं ऐसे परदेस विच आ गया, दूर आया, ते जिन्हें तेनू दूर भेजे संसार ते आखिर तेनू किसी ने भेजे ना है? जिंदे बारे असी आखने कले आवे नानका, जिन्हें दूर भेजे वह बड़ा स्याणा है। वह कहिंदा जे तू इन्नियां
एहसास कर लवें कि मैं मालिक तो दूर आ गया, मुड़ के मालिक कोल पहुंचना है, तो तेरे कोल कोई बेद साधन तो होना चाहिए। लो उनकी यह भी एक रहमत है, उन्हें तेनू मन दिता, मन दिता है। तो इसलिए तेज स्पीड घोड़ा दिता है कि जे तू इंदा रुख मेरे वाले पासे कर लवे तो पलों च तेनू मेरे नेड़े लिया सकदा, पलों च लिया सकदा। मैं तो कई बार एग्जाम्पल वो यू कहना, एको सड़क के दो किनारे होंगे, एक आन ले एक जान ले। ये हुण तुहाडी चोण है, गुरु कहिंदे तेरी चोण है भी तू किस किनारे ते दौड़ना चाहना है। माना सवार जैसे तुरी सिंगारी के लगे। जीवन एक रास्ता है, जीवन एक मुसाफरी है, जीवन एक पंध है, एक रोड है, पर तू इंदे उत्ते एक निश्चित करना तेरा काम है कि तू केड़े पासे जाना चाहना है, केड़ी साइड की चोन करना है। जे दूर जाने की साइड की चोन कर लगा तो पलों में दूर भी ले जाएगा है? कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर। संसार दे लोगों च अज तक यही एक परेशानी बड़ी, कोई कहता रब नेड़े है, कोई कहता रब बहुत दूर है, है? कोई ने बोले निर्वा, कोई बोले दूर। हुण तो यह सवाल भी क्यों ही हो गया जिवें जल की मछली चरे खजूर, जिवें जल दी पानी दी गहराई विच रहने वाली मच्छी खजूर दे सुपने लव चढ़न दे। रब दे नाल मिलाप दा साधन क्यास करना एक ऐसा ही मतलब हो गया है कि तू मन नूं उस पासे किवें तोरे। आ दुखांत है कहन के रोड इको है, जीवन है, जीवन एक सड़क है, सफर है। हुण इहदे विच तेरी सियाणप इस गल विच है कि तू कि साइड चुनना है, जाण दी कि आण दी। घोड़े ने तो ओडी तेजी नाल दूर भी लै जाना है ते ओनी तेजी नाल नेड़े भी लै आउणा, क्योंकि उहदी दौड़ तां है ही। मन तां बड़ा तेज घोड़ा है। हुण देखना यह है कि तू दूर वाले पासे नूं दौड़ाना है कि नेड़े वाले पासे। गुरु ने एवें नहीं कह दिता आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मन वेणू, वो तेरा कीता होया दूर भी हो सकता, तेरा कीता होया नेड़े भी हो सकता। साईं बुल्ले शाह ने बड़ी खूबसूरत गल आखी एक लाइन विच, कहन लगा बुल्लिया रब दा की पौना इधरों पुटना ते इधर लाउना। बस साइड ही बदलनी, मन ने तो ओडी तेजी की स्पीड रखनी है। जे मन रब वाले पासे लग गया पलों विच मेल सकता है, ते जे रब छड के निरंकार छड के संसार वाले पासे लग पे पलों विच दूर ले जा सकता है, स्पीड होंदी तेज है। हुण इत्थे सवाल पैदा होंदा है कि स्पीड तो तेज है पर उन्हों जिस रस्ते मेनी योग्यता चाहिदी है ले जाना रब दे रस्ते उधर किवें तोरां, अमोड़ भी है मेरे आखे नहीं लगता, मेरे क्यों एक मन लगता नहीं। बस इस गल का जवाब बाबा कबीर जी ने एको शब्द विच दिता, कहन लगे मोहार लगाम पैरावो। तुसी कदे घोड़िया नू जा आप हंडाया होवे, सवारी कीती होवे, जा करदिया नू वेख्या होवे, जिहड़ा मोहार दा मतलब हुंदा जिहड़ा मूंह दे अंदर जांदा पीस, एक लोहे दा टुकड़ा हुंदा जिहड़ा मूंह दे अंदर घोड़े दे दित्ता जांदा, उन्दे नाल दो रस्सियां बजियां होंदियां ने,
ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਖਿੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਮ ਦਾ ਪਾਸਾ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਮੁਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੌੜ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰਾਵੋ। ਆ ਲਗਾਮ ਪਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰਾਵੋ, ਸਗਲ ਤਜੀਨ ਗਗਨ ਦੌੜਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀ ਜੈ। ਅਸਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਕਿ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀ ਜੈ, ਸਹਿਜ ਕੇ ਪਾਵੜੇ ਪਗ ਧਰ ਲੀ ਜੈ, ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ। ਇਹੋ ਮੁਹਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਖ, ਚੱਲ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਕਵਨ ਕਵਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਿਆ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਵੇਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਵਨ ਕਵਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਿਆ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮਾਂ ਮੋਹਨੀ ਮੋਇਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਤ। ਉਹ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋਰ। ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ, ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੋ, ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਾਇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਬਤ ਕੋ ਧਾਵੈ ਬਹੁ ਹੱਤੀ, ਜੋ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਰਮਾਇਓ, ਬੜੇ ਬਸ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੋ, ਹਿਚੇ ਜੇ ਅੜੀ ਕਰੇ, ਹਿਚਕਚਾਟ ਕਰੇ, ਅੜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਬਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ,
फैसला दे रहे हिचे तो प्रेम के चाप तुम्हारो हिचे तो प्रेम के चाप तुम्हारो ये गल बड़ी स्पष्ट कर दिती गुरु ने कि मन एक अड़ियल घोड़ा है पर है तेज स्पीड बड़ा शिकारत भी हो सकता है बड़ा कम का घोड़ा है इन्दे बिना कोई काम भी तेरा सफल नहीं हो सकता मम्मा मम से मन सिंह काज है हमेशा तेनू इन्दी लोड़ है हर कदम कदम ते लोड़ है इसलिए इस मन वल्लों अवेसला ना हुई इस मन वल्लों जिस दिन अवेसला हो गयो इन्हें अपनी दौड़ अपने मूँह मुहारी दौड़नी शुरू कर दी नरक विच नरक की रीत नरक विच ला जाएगा फिर पछताएगा इसलिए इन्हू लगाम पा इन्हू मुहार पा इन्दे ते सवार हो इन्हू अपनी दिशा दे ते आख चल बैकुंठ वल ते ओ बैकुंठ आया है साध संगत कह कबीर ये कहिए काए साध संगत बैकुंठ बैकुंठ नगर जहां संत वासा ता बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा तू आपे श्रद्धा लाए बैकुंठ भी स्पष्ट कर देने कहंदे जिस दिन तू मन नू बैकुंठ रूप साध संगत वाल तोर लिया इंदी स्पीड बड़ी तेज है फिर तैनू साध संगत विच बैठा है रब हो मन तन खोजी पाल पलाई क्यों प्यारा पी तुम मिले मेरी माई मिले साध संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसे जियो हरि प्रभु बैठा है साध संगत विच इसलिए इनका नाम बैकुंठ है वो इत्थे बैठा है ते फिर जिस दिन तू इस मन रूप तेज स्पीड वाले घोड़े नू लगाम पा के इस पासे तोर लिया बैकुंठ वाल साध संगत विच जुड़न वाल फिर तेरी ते रब दी दूरी नहीं रहेगी फिर दूरी नहीं रहेगी पर गुरु तेग बहादुर पातशाह एहो गल समझा रहे ने भलिया दुख ते परेशानी दा बैस ए है कि मन दी स्पीड बड़ी तेज है तू इनू फाड़ नहीं सकदा ये चंचल माया वांगू दौड़दा है तू इनू अपने ग्रिप विच अपने ग्रिफ्त विच अपने लगाम थले रख नहीं सकिया इसलिए तेरे वस दी गल नहीं रही इसे अपनी रसना तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अज दे शब्द विच ए गल आखी ते साधो एह मन गयो ना जाए साधो साधो एह मन गयो ना जाए चंचल कृष्णा संग बसते हैं चंचल कृष्णा संग बसते हैं यादे तेरे ना रहाई यादे तेरे भी चाहिए
गुरु ने अपनी रसना तो आख्या मन तेनू मिलया ही इसे लिए है कि निरंकार ने तेनू संसार की दूरी ते भेजना सी। उन्हें आख्या जाए जे ये फैसला कर ले मुड़ के मैनू मिलन दा ते आवे किवें दूरू किवें आवे, इसलिए इनू तवे ते स्पीड घोड़ा दे दिया। पर शर्त इको कि उस ते स्पीड नू ए लगाम पा के मुहार पा के रब की दिशा बैकुंठ रब दे घर वल तोर लवे। इन शब्दों नाल खमादा जाची कहां फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।